हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार, एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर आईपीटेक्स स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एमआर रिपोर्ट ऑटोमेशन। तो हम इस गूगल सीट की सीरीज पर है, और गूगल सीट की सीरीज में लास्ट क्लासेस में हमने बात की थी कस्टम फॉर्मेटिंग के बारे में। कस्टम फॉर्मेटिंग के बाद हम बात करेंगे आज कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर कंडीशंस के ऊपर कैसे किया जाता है। तो हम गूगल ड्राइव में गए हैं, गूगल ड्राइव में जाके हमने अपना गूगल शीट को ओपन किया। ये रहा हमारा गूगल शीट। अभी क्या है कि नॉर्मल कोई कलर करना है, कोई फॉर्मेट करना है, तो आप जाते हैं और यहाँ से कलर कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कलर कर दिया। अब इसको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि जिस एरिया में जहाँ कलर हुआ है, जो G8 जहाँ कलर हुआ है, वहां पे क्या वैल्यू टाइप है या क्या टाइप होगा या क्या चेंज होगा। इसने कलर अप्लाई कर दिया, लेकिन हमें कंडीशन पे चाहिए। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ग्रेटर देन 50 वाले सारे हाईलाइट हो जाएं, या कुछ ऐसे कंडीशन इसको हाईलाइट करें ताकि कोई भी जब मेरा रिपोर्ट देखे तो उसको समझ में आ जाए कि हाँ ये यही हमें देखना था। तो उस केस में हम पहले एरिया को सिलेक्ट करेंगे जिस एरिया पे मुझे कलर अप्लाई करना है। उसके बाद हम जाएंगे फॉर्मेट मेनू बार। जी हाँ, फॉर्मेट मेनू बार में जाते हैं तो आपको दिखता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जब क्लिक करते हैं तो यहाँ आपके पास सिंगल कलर और कलर स्केल दो चीजें हैं। अप्लाई रेंज, रेंज जो आप सिलेक्ट किए हैं वो आ जाता है, आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है कंडीशन, इज एम्प्टी अगर ब्लैंक हो, इज नॉट एम्प्टी, इज टेक्स्ट कंटेन वगैरह। लेकिन मुझे चाहिए ग्रेटर देन। मैं एक सिंपल बताता हूँ कि ग्रेटर देन जब क्लिक कर लिए, क्लिक करने के बाद अपना दीजिए किससे बड़ा, तो हमने यहाँ पे दिया 50 से बड़ा। उसके बाद यहाँ आता है कलर। तो यहाँ पे डिफॉल्ट आपकी फॉर्मेटिंग है, इसकी बोल्ड करना, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह, फिल कलर, टेक्स्ट कलर। तो फिल कलर है, तो फिल कलर में हमने मान लीजिए ब्लू ले लिया, और टेक्स्ट कलर को हम यहाँ व्हाइट ले लेते हैं ताकि दिखे, और डन पे क्लिक कर देंगे तो एक डन हो जाएगा। अब क्या होगा कि इसमें जो भी 50 से ऊपर है वो हाईलाइटेड हो गया, लेकिन जो 50 से जैसे ही नीचे आएंगे, जैसे 3500 है, इसको मैंने 35 करके एंटर मारा, इसकी फॉर्मेटिंग हट जाएगी। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग जस्ट फॉर्मेटिंग ही अप्लाई नहीं करता है, वो मेंटेन रखता है फॉर्मेटिंग। कल के डेट में वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होती है, उस कंडीशन से ऊपर नीचे जाती है, तो फिर वो अपने आप को अपडेट कर लेता है। अब इसमें और क्या-क्या कंडीशंस हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो हम वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले हम टेक्स्ट से लेके चलते हैं। तो टेक्स्ट वाले फिगर को हमने सिलेक्ट किया और यहाँ कंडीशन फॉर्मेटिंग में आप आ गए। इसके बाद यहाँ पे आ गया सिंगल कलर है हमारा, और यहाँ इज सबसे पहले आता है इज एम्प्टी अगर ब्लैंक हो, अगर सेल ब्लैंक हो, मतलब जीरो भी लिखाना हो, बिल्कुल ब्लैंक हो, जैसे जीरो है ब्लैंक में नहीं आता है, इज ब्लैंक। इज एम्प्टी मतलब ब्लैंक, इज नॉट एम्प्टी मतलब कि ब्लैंक ना हो, इसमें डेटा हो। फिर आता है टेक्स्ट कंटेन। अब जैसे यहाँ पे इक्वल है, मान लीजिए कि मुझे अगर पूजा को हाईलाइट करना है तो आप इक्वल टू यहाँ पूजा लिख देंगे तो पूजा हाईलाइट हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पूजा ही हाईलाइट होगा ना, पूजा सिंह तो नहीं होगा। यहाँ पे आपको टेक्स्ट दैट कंटेन करना होगा। टेक्स्ट दैट कंटेन में अगर मैं यहाँ पे पूजा लिख देता हूँ, तो जो पूजा है, पूजा सिंह है, पूजा के आर शर्मा है, सारे के सारे आपको हाईलाइट हो जाएंगे। उसके बाद इसी तरह से डज नॉट कंटेन, पूजा के छोड़ के, स्टार्ट विथ, हम चाहते हैं कि स्टार्टिंग में पूजा हो, कुमार पूजा हाईलाइट ना हो। उसके बाद एंड विथ, लास्ट में पूजा हो, मैं जो करेक्टर आता है वो है, और यहाँ टेक्स्ट एग्जैक्टली। तो टेक्स्ट एग्जैक्टली मतलब हुआ कि
हमें जो है इक्वल टू, जस्ट लाइक इक्वल टू, एग्जैक्ट वही होना चाहिए। अब इसमें पी बड़ा है तो क्या मैं अगर पी छोटा कर दूं तो हाईलाइट करेगा? जी हाँ करेगा, इसमें केस सेंसिटिव नहीं होता है। एग्जैक्टली लिखा हुआ था तो हमें डाउट था, तो लेकिन केस सेंसिटिव नहीं है। ये हमारा टेक्स्ट के ऊपर है कि आप टेक्स्ट को इस तरह से फॉर्मेटिंग कर सकते हो। टेक्स्ट के बाद आता है नंबर की, नहीं नंबर नहीं, इसमें देखते थे डेट की। तो डेट वाले को हम सिलेक्ट करते हैं। डेट को जब सिलेक्ट कर लिए, यहाँ एरिया आ गया। अभी देखिए यहाँ पे दिक्कत होगी ना, हमने सिलेक्शन रिमूव कर दिया तो सी अभी भी सी सिलेक्ट है, तो इसको आप डिलीट करके इसके जगह पे आप इसको सिलेक्ट, सॉरी यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे बी वन से बी थाउजेंड आ गया। अब यहाँ पे डेट इज डेट, एक पर्टिकुलर डेट है जो सिस्टम डेट से कनेक्टेड है, जैसे कि टुडे आज की सिस्टम डेट, टुमारो कल की डेट, स्टरडे इन पास्ट वीक, पास्ट मंथ, पास्ट ईयर एंड एग्जैक्ट डेट। एग्जैक्ट डेट पे जब क्लिक करेंगे तो मुझे यहाँ पे एग्जैक्ट डेट डालना होगा 1/6/2020, तो ये आपका हाईलाइट हो जाएगा। इसको यहाँ पे MMDD के स्टाइल में डालना होगा 6/1/20, हाईलाइट हो गया। MMDD YY फॉर्मेट है। एग्जैक्ट डेट हो गया। अब जैसे कि टुडे करते हैं तो आज की सिस्टम डेट हाईलाइट हो जाएगी और ये हमेशा चेंज होती रही। कल मैं खोलूंगा तो कल की डेट हाईलाइट होगी, परसों खोलूंगा तो परसों की डेट हाईलाइट हो जाएगी, टुमारो नेक्स्ट डेट जो होगा वो हाईलाइट कर देगा, स्टरडे कल की डेट हाईलाइट कर देगा। तो यहां से आप हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें इज डेट के बाद आता है डेट इज बिफोर, मतलब डेट इज बिफोर मतलब कि स्टरडे से टुडे से पहले, स्टरडे से पहले, लास्ट वीक से पहले, तो डेट आपने दिया हुआ इससे पहले, बिफोर मतलब कि जो हुआ। एग्जैक्ट डेट डाल दीजिए जैसे मैं चाहता हूं कि 1 वीक से पहले, तो ये हाईलाइट हो गया। उसके बाद इसमें अगला जो आता है हमारा डेट आफ्टर, जो डेट डालते उसके बाद, सेम टुडे के बाद, टुमारो के बाद, स्टरडे के बाद, ये आता मतलब कि ये आ गया बिफोर मतलब की पास्ट डेट और आफ्टर मतलब की फ्यूचर डेट, तो यहां पे लगा सकते हैं। तो डेट की कैलकुलेशन, डेट की हाईलाइटिंग ये हुआ। अब बात करते हैं नंबर्स की, कोई पर्टिकुलर नंबर्स पे हम कैसे कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले एक बार और करेंगे तो अपने आप रेंज ले लेगा, वरना रेंज सिलेक्ट करना पड़ जाएगा ना। हालांकि सिलेक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट दिक्कत हो सकती है आप लोगों को। तो यहां पे अगला जो आ रहा है ग्रेटर दैन, ग्रेटर देन किसी नंबर से बड़ा, ग्रेटर देन इक्वल टू, जैसे हमने ग्रेटर देन 20 कर दिया तो 20 को हाईलाइट नहीं करेगा, 20 को हाईलाइट नहीं करेगा, 20 से बड़ा को हाईलाइट करेगा। बट ग्रेटर देन और इक्वल टू हम लगाते हैं तो 20 और 20 से बड़ा को हाईलाइट कर देगा। सेम लेस देन इक्वल टू, इज इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू, इज बिटवीन, इज नॉट बिटवीन, अगर इज बिटवीन हुआ दो नंबर के बीच की वैल्यू को हाईलाइट करेगा। बस आपको सिलेक्ट करना है, जैसे मान लीजिए मैंने बिटवीन पे सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हमारी वैल्यू डाल दी कि मुझे 50 to 60 की वैल्यू को हाईलाइट करना है या 80 की वैल्यू को हाईलाइट करना है। तो देखिए 50 to 80 के बीच में आ गई और अपनी फॉर्मेटिंग आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, डन कर देंगे हाईलाइट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और आता है कस्टम फॉर्मूला, कस्टम फॉर्मूला, और कस्टम फॉर्मूला को हम आगे हम करते हैं, उससे पहले एक चीज जान लीजिए कि हम एक पे ही, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कलर लगा हुआ है, मैं चाहता हूँ इक्वल टू 40 हो उसको एक अलग कलर से हाईलाइट करें, तो इसको सिलेक्ट करके अब मैं आता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर।
मतलब एक ही जगह पे एक ही लोकेशन पे हम कई सारे फॉर्मेट दे सकते हैं। तो यहां पे हमने बोल दिया इज इक्वल टू 40, तो कलर जो है रेड हो जाए। तो आपका ब्लू वाला जो पहले से था वो तो है ही, उसके अलावा आपका एक और ऐड हो गया। अब उसी तरह से अगर हम टोटल पे करते हैं कंडीशनल फॉर्मेट, यहाँ पे ऐड रूल्स पे आते हैं, यहाँ पे टोटल पे सिलेक्ट करके के यहाँ पे वन से के 1000, और यहाँ पे हम हमारा जो लास्ट टॉपिक है कस्टम फॉर्मूला, कस्टम फॉर्मूला पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे वैल्यू ऑफ फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ग्रेटर देन 50, नहीं यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, तो फॉर्मूला लगाना है इसका मतलब कि हमें एक सिंगल सिलेक्ट करना हो, तो हम एक सिंगल सिलेक्ट करते हैं, हम बोलते हैं कि इसका 2% अगर, इसका 2% अगर ग्रेटर देन 100 हुआ तो हाईलाइट कर दें। तो हम यहाँ पे आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, इसी में डिलीट करते हैं यहां से, रिमूव, ऐड करते हैं K2, यहाँ पे कस्टम फॉर्मूला, कस्टम फॉर्मूला में हम इक्वल हम बोलते हैं K2 का 2% इज ग्रेटर देन 100। तो रेड कलर करते हैं। और 1982 का 2% क्या है? 40 आ रहा है, इसलिए हाईलाइट नहीं किया। अब मैं एक काम करता हूं, इसको कर देता हूं 5000, 100 ग्रेटर देन है ना 5000, 1500 क्लियर हो गया। तो इसमें आप अपने हिसाब से कोई फॉर्मूला चूज कर सकते हैं, और फॉर्मूला में जैसे कि अब यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये आपका अटेंडेंस है। अब इस अटेंडेंस में मैं चाहता हूं कि जो 3 दिन से ज्यादा अब्सेंट हुआ है उसकी पूरी की पूरी रो को हाईलाइट कर दे, 3 दिन से ज्यादा अब्सेंट हुआ है। तो 3 दिन अब्सेंट है कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमें काउंट इफ का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। काउंट इफ, काउंट इफ में हमने रेंज को सिलेक्ट कर लिया और यहां पे इन्वर्टेड कॉमा में पी दे देंगे तो रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। पी हो गया एक क्राइटेरिया, ये 0 क्यों आ रहा है? इसमें आना चाहिए रिजल्ट ना B5 से X5। ओके, इसमें इक्वल टू लगाना पड़ेगा क्या? हाँ, ओ हाँ, बेसिकली पी और ए नहीं है, बेसिकली ए जो है 7 और 9 नंबर्स हैं, पी दिख रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो 0 के जगह पे मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ, 0 मतलब कि 0 मतलब अब्सेंट है। क्या गया नंबर?
सेम फॉर्मूला हमने लगाना है अपने एक्सेल में। तो याद रखिएगा हमें जो है एक एरिया को लेके चलना होगा, जी हाँ, मतलब एक सेल को, क्योंकि निश्चित फॉर्मेटिंग में जो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं तो फॉर्मूला में चीज का ध्यान रखा जाता है कि जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो एक सिंगल सेल सेलेक्ट करेंगे ताकि हम जो कॉपी करके आगे तक ड्रैग करें तो सेल आगे की तरफ बढ़े। और यहाँ हम इस कस्टम फॉर्मूले में आते हैं और यहाँ फॉर्मूला देते हैं काउंट इफ का, काउंट इफ, और काउंट इफ में हमने ले लिया B5 से X5, तो यहाँ पे लिखना था ना, हाँ, B5 से X5 और comma 0 इज ग्रेटर देन 3। अब B5 से X5 है तो B के आगे मुझे डॉलर लगाना है ताकि बी सी डी ई एफ ना हो, लेकिन नीचे जब ड्राइव करूं तो 5 जो है 6 7 4, इसका ध्यान रखना। एंड हम कलर में इसको रेड कर लेते हैं एंड डन। उसके बाद हमें यहां अपना फॉर्मेट पेंटर यहां लेना होगा और फिर इसको पूरे एरिया में पेंट कर देना। तो दो इसमें हाईलाइट हो गए क्योंकि इसमें दो में देखिए 3 से ज्यादा है। तो इस तरह की कंडीशन ऑफ मेटिंग में हम फॉर्मूले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आप किस तरह का फॉर्मूला लगाना चाहते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है उसके लिए भी कॉल कर सकते हैं हमें। हम जूम के थ्रू लाइव क्लास देते हैं और रिकॉर्डेड क्लासेस आप मेरे ऐप पे देख सकते हैं। मेरे यूट्यूब के हर वीडियो के लिंक में मेरा ऐप का लिंक होता है। थैंक यू।